बीते दिन ही संजय लीला भंसाली और सलमान खान की फिल्म इंशाअल्लाह अब डिब्बा बंद हो चुकी है। दोनों ही अपने अपने करियर में आगे बढ़ चुके हैं, जहां सलमान खान ने ईद 2020 पर किक 2 अनाउंस कर दी है, तो अब वही खबर है कि डायरेक्टर संजय लीला भंसाली भी अपनी अगली फिल्म के साथ शाहरुख खान को अप्रोच कर चुके हैं। इस फिल्म का नाम इजहार है और इस फिल्म में शाहरुख खान को लीड रोल के लिए कास्ट किया गया है। भंसाली प्रोडक्शन ने हाल ही में इजहार टाइटल दर्ज करवाया है और माना जा रहा है कि ये नाकाम मोहब्बत वाली एक इंटेंस लव स्टोरी है, जिसे शाहरुख खान से बेहतर और कोई नहीं कर सकता है। इसलिए भंसाली ने बिना समय गवाए शाहरुख खान को इस फिल्म के लिए अप्रोच किया है। सलमान खान और आलिया भट्ट के फैंस के लिए बीते दिन ही बॉलीवुड के गलियारे से एक दुखद खबर सामने आई थी, जिसमें बताया गया कि सलमान खान और संजय लीला भंसाली की अपकमिंग फिल्म इंशाअल्लाह शुरू होने से पहले ही अब बंद हो गई है। फिल्म को अचानक बंद करने का कोई बड़ा कारण सामने नहीं आया। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स में यह दावा किया गया कि सलमान खान और संजय लीला भंसाली के बीच फिल्म को लेकर बहुत लंबा डिस्कशन हुआ, जिसके बाद इन्होंने इंशाअल्लाह को बंद करने का फैसला किया। सलमान खान ने अपने ट्विटर अकाउंट से ट्वीट करके ये इशारा भी दिया कि वो ईद 2020 पर नाडियाड वाला बैनर की किक 2 लेकर आएंगे। संजय लीला भंसाली की फिल्म इंशाअल्लाह में सलमान खान के अपोजिट आलिया भट्ट नजर आने वाली थी। वहीं ताजा रिपोर्ट के मुताबिक संजय लीला भंसाली इंशाअल्लाह बंद होने के बाद शाहरुख खान के साथ अपनी अगली फिल्म बनाने की प्लानिंग में जुट गए हैं। इसके बाद संजय ने शाहरुख खान के साथ अपनी अगली फिल्म की प्लानिंग भी शुरू कर दी है। दोनों ने आखिरी बार देवदास में साथ काम किया था और काफी अच्छा रिश्ता शेयर करते हैं। रिपोर्ट में आगे बताया गया कि संजय लीला भंसाली और शाहरुख खान की आने वाली यह फिल्म इंशाअल्लाह नहीं होगी, बल्कि दोनों नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू करेंगे। संजय लीला भंसाली ने हाल ही में इजहार नाम का टाइटल भी रजिस्टर कराया है और इस फिल्म को शाहरुख खान और संजय लीला भंसाली दोनों मिलकर प्रोड्यूस करेंगे। बताया जा रहा है कि इजहार को पहले संजय लीला भंसाली का कोई असिस्टेंट डायरेक्टर करने वाला था, लेकिन क्योंकि अब भंसाली खुद ही खाली है तो उन्होंने इसे अपने आप डायरेक्ट करने का फैसला कर लिया। फिल्म इजहार के लिए अभी तक कोई लीड एक्ट्रेस को लेकर खुलासा भी नहीं हुआ है, लेकिन उम्मीद है कि मेकर्स जल्द ही फिल्म की लीड एक्ट्रेस का भी खुलासा करेंगे। लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि इसमें आलिया भट्ट नजर आ सकती है। तो दोस्तों, फिलहाल की वीडियो में सिर्फ इतना ही। टीवी और फिल्मी दुनिया से जुड़ी हुई लेटेस्ट गॉसिप्स जानने के लिए आप देखते रहें फिल्मी पंचायत।